तुम्हारी संपत्ति छीन लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। अरे निजाम के टाइम में नहीं हुआ, ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इसको कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ऐसा वक्त आने नहीं देगी। अगर वो भी करना चाहते हैं तो हम रोक देंगे और उनको बताएंगे उनका रास्ता क्या है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो हमारे प्रियंका जी अच्छी बात करते हैं, क्योंकि परसों ही उन्होंने ठीक ढंग से बात किया, उतने ठीक ढंग तरीके से मुझे नहीं आता, वो करेंगे। लेकिन मैं यही कहने आया हूं, किसी का मंगलसूत्र छीनने वाला कांग्रेस नहीं है। अपने लोगों को खोया है, अपने लोगों को बलिदान दिया है, कुर्बानी की है, ऐसे लोगों को तुम नाम रखते हो ना? नहीं रही, ये एहसास नहीं रहा कि जब आपके सामने आएंगे तो आपसे सच बोलना है, आपसे झूठ नहीं बोलना है। आपके सांसद तो ऐसे रहे कि आपके सामने आते ही नहीं है, यहाँ रहते ही नहीं है। 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, एक ट्रेन चालू की है उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आपके जीवन का संघर्ष है। मेरी बहनें, सुबह से शाम तक मेहनत करती हो, अगर जॉब करती हो या खेती में जाती हो काम करने, या किसी घर में काम करती हो, घर आके भी काम करती हो, घर आके भी बच्चों को देखना है, परिवार को संभालना है, सबने खाना खाया, सब अच्छे से सो गए हैं, तभी जाकर आप सोती हो, पूरे समाज का बोझ उठाती हो, लेकिन आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है।